खाना पकाने का तेल फिर हो सकता है सस्ता, क्योंकि विदेशी आयातित खाद्य तेलों के भाव टूटने के चलते दिल्ली तेल तिलन बाजार में भी बीते हफ्ते सरसों, सोयाबीन, मूंगफली सहित सभी तेल तिलन कीमतों में गिरावट देखने को मिली। मिली जानकारी के मुताबिक विदेशों से आयात होने वाले तेल तिलनों के दाम में जोरदार गिरावट रहने से कोई तेल तिलन अछूता नहीं रहा और सभी गिरावट में कार्य करते दिखाई दिए। स्थिति ये हो गई है कि कई खाद्य तेल मिलों के सामने अस्तित्व बचाने का संकट भी पैदा हो गया है। जानकारों का कहना है कि आयाती तेलों के मुकाबले देशी तेल तिलन थोड़ा महंगे जरूर बैठते हैं, लेकिन इसमें देश को दूसरा फायदा है। उन्होंने अपने तर्क के पक्ष में कहा है कि औसतन प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की प्रतिदिन की खपत 50 ग्राम होती है, लेकिन देश की मुद्रा स्फीति पर यह गहराई से असर डालने में सक्षम है। DOC, खल आदि के महंगा होने से देश के मुर्गी पालन, मवेशी पालन किसान प्रभावित होते हैं, यानी दूध, मक्खन, अंडे और चिकन के दाम बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर मुद्रा स्फीति पर होता है। वहीं आयातित पाम और पामोलिन से हमें DOC या खल नहीं मिल सकता और इसे अलग से आयात करने की जरूरत होगी, जिसके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। ऐसे में जानकारों का कहना है कि विदेशी तेलों में आई गिरावट हमारे देशी तेल तिलनों को चोट पहुंचा रही है, जिससे समय रहते नहीं निपटा गया तो स्थिति संकट पूर्ण होने की संभावना है। विदेशी तेलों के दाम दराशायी हो गए हैं और हमारे देसी तेलों के उत्पादन की लागत अधिक बैठ रही है। अगर स्थिति को संभाला नहीं गया तो देश में तेल तिलन उद्योग और इसकी खेती गंभीर रूप से प्रभावित होगी। वहीं सस्ते आयाती तेलों पर इम्पोर्ट ड्यूटी अधिकतम करते हुए स्थिति को संभाला नहीं गया तो किसान तिलन उत्पादन बढ़ाने के बजाय तिलन खेती से विमुख हो सकते हैं, क्योंकि देसी तेलों के उत्पादन की लागत काफी बैठ रही है। वहीं जानकारों का कहना है कि तेल तिलहन विशेषज्ञ पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के कुछ अन्य भागों में पाम की खेती बढ़ाने की भी सलाह दे रहे हैं और इस दिशा में सरकार ने प्रयास भी किए हैं। ऐसा करना एक हद तक सही है, लेकिन अगर हमें पशु चारे डीओल्ड केक यानी DOC और मुर्गी दाने की पर्याप्त सप्लाई और आत्मनिर्भरता चाहिए तो वह सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और बिनोला जैसी फसलों से ही प्राप्त हो सकती है। निजी उपयोग के अलावा इसका निर्यात कर देश विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकता है। तेल तिलहन के संदर्भ में इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला फिलहाल लिया जाना चाहिए। जानकार मानकर चल रहे हैं कि देश के प्रमुख तेल संगठनों को सरकार को जमीनी हकीकत भी बतानी चाहिए कि सस्ते खाद्य तेलों के आयात से देश के तेल तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता होने का लक्ष्य गंभीर रूप से प्रभावित होगा और स्थिति को बदलने के लिए इन सस्ते आयाती तेलों पर पहले की तरह और हो सके तो अधिकतम सीमा तक आयात शुल्क लगा दिया जाना चाहिए। अगर खाद्य तेलों के दाम कम रहे तो खल की भी उपलब्धता कम हो जाएगी। वहीं जानकार कह रहे हैं कि सरकार को खाद्य तेलों के आयात की कोटा प्रणाली को समाप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब सूरजमुखी का आयाती तेल का दाम पहले से लगभग 50 रुपए किलो नीचे चल रहा है तो ऐसे में किसान इस फसल को कैसे बेचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।